नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 5 हिंदी में आज हम पाठ 7 खाना खजाना चित्र पाठ के बारे में जानेंगे। तो खाना खजाना कहाँ होता है? तो रसोई घर में होता है। रसोई घर यानी आजकल हम इसे किचन कहते हैं। हमारा जो किचन है वो स्टैंडिंग किचन है, आधुनिक किचन है। ये पुराने जमाने का किचन है जिसमें माता नीचे बैठकर रसोई बना रही है। अब इस चित्र को हमने ध्यान से देखना है और इसके आधार पर हमें इसका वर्णन करना है। तो यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर है और दूसरे पर चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में ही पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है और थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है और दूसरे खाने के डिब्बे हैं जो दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। इस प्रकार थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हमने इस चित्र का वर्णन किया। अब इसे हम गुजराती में कहते हैं कि भाई ये एटले के आ रसोई घर छे। यह रसोई घर का चित्र है यानी आ एक रसोड़ानु चित्र छे। चित्र मां माता रसोई बनावी रहा छे। गैस ना एक चूल्हा पर कूकर मुकेलू छे अने बीजा चूल्हा पर लोढ़ी एटले के तवो एटले लोढ़ी मुकेली छे। लोढ़ी उपर रोटी एटले आपणे रोटली कहीए छे ए छे, सेकाई रही छे अने माता रोटी बेल रही है। बेल यानी वणी रही छे। पासे छे एक मटका यानी माटलू, तो पानी नु माटलू पड़ेलू छे। कढ़ाई एटले के आपणे जे काथरोट जेना अंदर आपणे लोट बांधीए, तो ए लोट बांधवाने कढ़ाई कहेवामां आवे छे हिंदी नी अंदर। एटले कढ़ाईमां बांधेलो लोट पड़ेलो छे अने थाळीमां सेकेली रोटलीओ पड़ी छे। नजीकमां जेना बैठेलो पुत्र यानी लड़का यानी उसका पुत्र है। पासे ज बैठेलो एनो पुत्र छोकरो जमी रह्यो छे। एनी पाछळ दादीमा छे, एना हाथमां पुस्तक छे अने पुस्तकमांथी काई वाँची रह्या छे। एनी पाछळ जो टोकरी छे, टोकरीमां सब्जी एटले के शाकभाजी छे। अने शाकभाजीनी बाजूमां ज शुं छे अलमारी। अलमारी एटले शुं के कबाट कहेवामां आवे छे ने हिंदीमां कहेवाय अलमारी। अने अलमारीमां एटले के जे कबाट छे ए कबाटनी अंदर घणा बधा डब्बाओ देखाई रह्या छे। अने ए डब्बानी अंदर पाछुं शुं छे तो अचार, तेल आदि मैंने आपको बोला था। इस प्रकार से डब्बामां जे छे अथाणु, अचार एटले अथाणु कहेवाय। तेल, दाल, दाल एटले दाळ, आपणे जे तुवેરની दाळ, मगनी दाळ बनावी छीए, दाळ पड़ी छे, मरची मिर्च मसाले यानी कि मरचा मसालो पड्यो छे। अने थाळी, कप, ग्लास, किटली आदि એટલે કે વગેરે વાસણો પણ દેખાઈ રહ્યા છે। આ રીતે રસોઈ ઘર મે એક ખિડકી હે યાની રસોઈ ઘર ની બારે, રસોડા ની અંદર એક બારી છે અને બારી બારે શું દેખાય છે? બાદળ દેખાઈ રહ્યા છે। ઇસ પ્રકાર હમને ઇસ ચિત્ર કા વર્ણન કિયા। અબ ઇસકે આધાર પર અગર આપકો પ્રશ્ન પૂછે જાય તો આપ આસાની સે લિખ સકતે હો। અગલે વિડિયો મે હમ ઇસકે પ્રશ્નો કી ચર્ચા કરેંગે। पाठ्यपुस्तक में जो पेज नंबर 40 है उसमें चित्र दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3 और 4 चित्रों को देखकर हमें कहानी बनानी है। तो पहला चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें दो भाई हैं जो दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, वो आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। अब सूरजपुर नाम का एक गाँव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके दो बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा ने अपने बेटों को बुलाया। रोज झगड़ते रहते थे, वो चिंतित थे, इसलिए अपने दोनों बेटों को बुलाते हैं। उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को
गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटे को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब मेहनत की, खूब जोर लगाया, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। इस प्रकार इसके उदाहरण पर रामू चाचा समझाना चाहते थे कि रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो इस कहानी को पढ़ते हुए देखकर आपको पता चला हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा साथ में ही रहना चाहिए। एकता में ही जीत है, एकता में ही बल है। यही रामू चाचा अपने बेटे को समझाना चाहते थे और उनके बेटे समझ गए। इस प्रकार इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक यानी इस कहानी के कहानी का नाम क्या होगा, उसे शीर्षक कहते हैं। तो बच्चों क्या शीर्षक दे सकते हैं हम इसका? तो एकता में बल है, इस प्रकार से इस कहानी का शीर्षक होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, बाय।